कानपुर के एक कॉलेज में एक छात्र का शव मिलने से पूरे कॉलेज परिसर सहित क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के रामा मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के अंदर बेसमेंट में एक MBBS सेकेंड ईयर के छात्र का शव मिला तो कॉलेज में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम साहिल सारस्वत है, जो कि मथुरा का निवासी है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। इस संबंध में जानकारी मिलते ही SCP कल्याणपुर, ADCP, DCP, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि एक छात्र की मृत्यु हुई है रामा कॉलेज में, जिसमें पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सभी कैमरे चेक किए गए हैं। लगभग 2:15 बजे तक छात्र की एक्टिविटी सही पाई गई है। बाहर से कोई अंदर नहीं आया है। जो भी घटना हुई है वो कॉलेज के अंदर हुई है। घटना कैसे हुई इसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी चीजें सामने आएंगी वो सारी साझा की जाएंगी। RTI न्यूज 24 कानपुर। एक छात्र की मृत्यु हुई है यहाँ पे हॉस्टल में। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बॉडी का पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बातचीत की जा रही है और CCTV कैमरे जो बाहर लगे उनको देखा गया है। छात्रावास में बाहर से कोई नहीं आया है और ये भी देखा गया है कि रात को 1:40-1:45 तक छात्र के द्वारा एक्टिविटीज यहाँ पे हमें मिली है, सिम्टम्स मिले हैं, जो बताता है कि 2:15 बजे तक एटलीस्ट वह छात्र किसी न किसी रूप में एक्टिव था। और चूंकि CCTV फुटेज में बाहर से किसी के आने के यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो यह बड़ा स्पष्ट है कि जो कुछ भी है तो वह हॉस्टल के भीतर है। छात्रों के विषय का मामला है, संवेदनशील विषय है। हम सभी लोग इस गंभीर घटना की जांच कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त महोदय यहाँ पे आए थे, सभी चीज़ों को उन्होंने स्वयं देखा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे हैं एंड वी आर कमिटेड टू इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपरली। बाकी जो भी चीजें हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अगल बगल खून की बात सामने आ रही है, प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? नहीं, कोई चीज प्रथम दृष्टया का यहाँ विषय नहीं है। 2 इंजरी के निशान हैं जो कि दिख रहे हैं। हेड इंजरी है, वो हेड इंजरी कैसे हुई, सीढ़ियों के ठीक नीचे डेड बॉडी पाई गई है और कट के निशान कैसे आए, क्या आए, दिस इज टू अर्ली टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, जैसे जैसे चीजें आएंगी हम बताएंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।